खुलुमखा नमस्ते, मेरा नाम है सूरज। रंग टीवी तिप्रासा की वीडियो में आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। तो मैं आज आप लोगों को त्रिपुरा के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, अभी 2023 त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो कई पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना कैंडिडेट दे रही है, लेकिन यहाँ पर देखा गया है एक पार्टी जो त्रिपुरा मोठा करके त्रिपुरा में बहुत पॉपुलर हो रहा है। इस पार्टी को त्रिपुरा के राजा और त्रिपुरा के इंडिजिनस तिप्रासा लोग इन्हें बोबागरा कह के बुलाती है। इन्होंने ही तिप्रा मोथा को बनाया है, जो कम समय पे ही इतना नाम करके अपना पार्टी को इस मुकाम पे ले आया। पहले बोबागरा नेशनल पार्टी में था और वहाँ पर उतना दफा के बारे बात कर नहीं सकता था, इसलिए बोबागरा ने पहले तिप्रा मोथा को NGO बनाया और उसके बाद 2021 में त्रिपुरा के ADC चुनाव में लड़कर सरकार बनाया है। और उसका मांग है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, त्रिपुरा के तिप्रासा के लिए एक सेपरेट स्टेट, यही मांग लेकर चुनाव में आया है। और बोबागरा कहता है पुला जाति पुलो पार्टी, इसका मतलब पहले जाति और इंसान को प्यार करो, उसके बाद प्रतीक करो। और एक बात बोबागरा कहता है नो कॉम्प्रोमाइज, पहले हमारे तिप्रासा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली सॉल्यूशन लाओ और उसके बाद राइटिंग में हमारे मांगे स्वीकार करो। इसलिए बोबागरा प्रोड्यूत का नाम त्रिपुरा के 2023 के चुनाव में अधिक जरूरी है, क्योंकि तिप्रा मोथा के बगैर कोई सरकार नहीं कर सकता, क्योंकि 20 ट्राइबल प्रिजर्व सीट पे बहुत ज्यादा तिप्रा मोथा का फॉलोअर्स है। और 2023 के चुनाव के लिए तिप्रा मोथा ने 42 कैंडिडेट दिया है। तो ये तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही हमें पता चलेगा कि त्रिपुरा के अंदर कौन सरकार बना पाएगा। तो हम भाई मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें या सब्सक्राइब कीजिए मेरे और भी अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए।